आज भाजपा की वीर नेता नीता धनगर मीडिया से रूबरू हुई। लोकसभा चुनाव में प्रबल प्रत्याशी के रूप में जताई संभावना और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और मैं आपसे, अपनी जनता से, शिकोहाबाद से, फिरोजाबाद की जनता से, सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैं नीता धनगर, मैं किशनी विधानसभा 2022 में तैयारी कर चुकी थी, वहाँ पर पूरी दमखम से लगी हुई थी और वहाँ पूरा चांस था कि मुझे टिकट मिलने वाली है, पर शीर्ष नेतृत्व ने जो भी उनका फैसला रहा हो, मुझे टिकट नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, फिर भी मैं उनके साथ लगी रही और जो भी वहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए, मैंने उनके साथ काम किया और मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया और मैं आगे भी अपनी पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। यही सोचकर मैंने यहाँ शिकोहाबाद चेयरमैनी के लिए भी आवेदन किया था, उसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। शायद शीर्ष नेतृत्व मेरी तरफ अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं चाहती हूँ, जैसे आपने 2019 में आदरणीय चंद्रसेन जाधव जी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें उठाकर शीर्ष पर बिठा दिया, वैसे ही अपने और कार्यकर्ताओं की तरफ भी ध्यान दें आप सभी और देखें कि कौन किस क्षेत्र में उचित है, जाति समीकरण में उचित है, अपनी जनता में लोकप्रिय है। आप लोकसभा में सर्वे करवाए होंगे भी आपने और आपको पता भी चला होगा, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीता धनगर का नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। और अभी मैंने लोकसभा 20 से भी आवेदन किया है और वहाँ ऊपर तक आवेदन मेरे पहुँचे भी हैं, मेरा नाम भी चला। तो मैं ये केवल कोरे ढकोसलों पर मैंने आवेदन नहीं किया है, मैंने आवेदन इसलिए भी किया है कि कभी अगर जाति समीकरण भी रहता है तो उसमें भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा जाति समीकरण भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ने तो मैं बीजेपी पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी पार्टी की, अपनी आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाती हूँ। गांव में दौरे भी करती हूँ, अपनी नगर पालिका भी जाती हूँ, अपने शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, सभी जगह भ्रमण करती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, सभी योजनाओं को पहुँचाती हूँ, काम करती हूँ, चाहे वो जागृति कार्यक्रम हो, चाहे विकसित भारत का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो। मैं महिलाओं, विशेषकर बच्चियों को जागरूक करने का भी काम करती हूँ। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से चाहती हूँ कि अगर आप सभी समीकरण ध्यान में रखें, आप महिलाओं का जो आरक्षण आप पास करवा रहे हैं 33%, अगर आप उसे भी ध्यान में रखें तो मैं शायद एक बेहतर कैंडिडेट आपके लिए बन सकती हूँ। आप अगर एसपी सिंह, जो आदरणीय एसपी सिंह बघेल हैं, उन्हें लोकसभा के लिए ले सकते हैं पिछले चुनाव में, आदरणीय टूंडला से प्रेमपाल धनगर जी को ले सकते हैं, तो क्या नीता धनगर को फिरोजाबाद से आप क्यों नहीं ले सकते? हमें कोई कमी तो नहीं है ना, मैं काम के प्रति कभी मेरा बेकार रहा हो, मैं बहुत जागरूक रही हूँ, महिलाओं में भी अग्रणी हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मेरा शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन है कि आप सभी चीज़ें देखें, लेकिन एक ये भी चीज़ें देखें कि आप इस वजह से भी फेमस हैं, हमारी बीजेपी पार्टी इस वजह से भी फेमस है कि किसी को भी, एक सामान्य गरीब किसान को भी, एक सामान्य गरीब महिला को भी कहां से कहां तक पहुंचा देती है, ये बस हमारी बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। तो मेरा यही आग्रह है आपसे कि आप जो भी सोचें, आप जो भी करें, आप जो भी यहां लोकसभा फिरोजाबाद से उतारे कैंडिडेट को, वो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा होगा, हम उसे पूरी जीत दिलाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर महिलाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दें, जब हम गरीब महिलाएं, बेटियां, गरीब किसान, युवाओं, इन्हें लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं होती हूँ तो जो मेरी कम्युनिटी है वो ही नहीं, और लोग भी मेरा साथ देंगे और यहाँ से बीजेपी लोकसभा सीट फिरोजाबाद निकाल ली जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।